साथियों, जब रिफॉर्म की बात आती है, एक लंबा परिवेश है। अगर मैं उसकी चर्चा में चला जाऊंगा तो शायद घंटों निकल जाएंगे, लेकिन मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। बैंकिंग क्षेत्र में जो रिफॉर्म हुआ, आप सोचिए बैंकिंग क्षेत्र का क्या हाल था। न विकास होता था, न विस्तार होता था, न विश्वास बढ़ता था। इतना ही नहीं, जिस प्रकार की कारनामे चले उसके कारण हमारे बैंक संकटों से गुजर रहे थे। हमने बैंकिंग सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए अनेक विध रिफॉर्म्स किए और आज उसका कारण हमारी बैंक विश्व में जो इन्हीं गुनी मजबूत बैंकें हैं उसमें भारतीय बैंकों ने अपना स्थान बनाया है। और जब बैंक मजबूत होती है ना, तब फॉर्मल इकोनॉमी की ताकत भी बढ़ती है। जब बैंक की व्यवस्था बन जाती है, जब सामान्य गरीब खास करके मध्यम वर्ग के परिवार की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करने की सबसे बड़ी ताकत बैंकिंग सेक्टर में होती है। अगर उसको होम लोन चाहिए, उसको व्हीकल का लोन चाहिए, मेरे किसान को ट्रैक्टर के लिए लोन चाहिए, मेरे नौजवानों को स्टार्टअप के लिए लोन चाहिए, मेरे नौजवानों को कभी पढ़ने के लिए एजुकेशन के लिए लोन चाहिए, किसी को विदेश जाने के लिए लोन चाहिए, ये सारी बातें उसे संभव होती है। मुझे तो खुशी है कि मेरे पशुपालक भी, मेरे मछली पालन करने वाले भाई बहन भी आज बैंकों से लाभ ले रहे हैं। मुझे खुशी है मेरे रेहड़ी पटरी वाले लाखों भाई बहन आज बैंक से साथ जुड़ करके अपनी नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहे हैं और विकास की दिशा में वो भागीदार बन रहे हैं। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्योग के लिए तो बैंक एक सबसे बड़ी सहायक होती है। उसको रोजमर्रा पैसों की जरूरत होती है अपने नित्य मर्जी पर प्रगति के लिए, और उस काम को हमारी मजबूत बैंकों के कारण संभव हुआ है। साथियों, दुर्भाग्य से हमारे देश में आजादी तो मिली लेकिन लोगों को एक प्रकार से माई बाप कल्चर से गुजरना पड़ा। सरकार के पास मांगते रहो, सरकार के पास हाथ फैलाते रहो, किसी की सिफारिश के लिए रास्ते खोजते रहो, वही कल्चर डेवलप हुआ था। आज हमने गवर्नेंस के इस मॉडल को बदला है। आज सरकार खुद लाभार्थी हितार्थी के पास जाती है। आज सरकार खुद उसके घर गैस का चूल्हा पहुंचाती है। आज सरकार खुद उसके घर पानी पहुंचाती है। आज सरकार खुद उसके घर बिजली पहुंचाती है। आज सरकार खुद उसको आर्थिक मदद दे करके विकास के नए आयामों को चर करने के लिए प्रेरित करती है, प्रोत्साहित करती है। आज सरकार खुद नौजवान के स्किल डेवलपमेंट के लिए अनेक विध कदम उठा रही है। साथियों, बड़े रिफॉर्म्स के लिए हमारी सरकार बहुत ही प्रतिबद्ध है और हम इसी के द्वारा देश में प्रगति की राह को चुनना चाहते हैं। साथियों, देश में नई व्यवस्थाएं बन रही है। देश को आगे ले जाने के लिए अनेक वित्त नीतियों को, अनेक वित्त पॉलिसीज को निरंतर बनाया जाए और नए सिस्टम पर देश का भरोसा भी बढ़ता रहता है, निरंतर बढ़ता रहता है। आज जो 20-25 साल का नौजवान है, जो 10 साल पहले जब 12-15 साल की उम्र का नौजवान था, उसने अपनी आंखों के सामने ये बदलाव देखा है। 10 साल के भीतर भीतर उसके सपनों को आकार मिला है, धार मिली है और उसके आत्मविश्वास में एक नई चेतना जगी है और वही देश का एक नया सामर्थ्य के रूप में उभरना है। आज विश्व भर में भारत की साख बढ़ी है, भारत के प्रति देखने का नजरिया बदला है। आज विश्व में युवाओं के लिए संभावनाओं के द्वार खुले हैं, रोजगार के अनगिनत नए अवसर जो शायद आजादी के इतने सालों के बाद भी नहीं आए थे, वो आज उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। संभावनाएं बढ़ती गई हैं, नए मौके बन रहे हैं। मेरे देश के युवाओं को अब धीरे धीरे चलने का इरादा नहीं है। मेरा देश का नौजवान इंक्रीमेंटल प्रगति में विश्वास नहीं करता। मेरा देश का नौजवान
छलांग मारने के मूड में है, वो छलांग मारने के नई सिद्धियों को प्राप्त करने के मूड में है। मैं कहना चाहूंगा भारत के लिए गोल्डन एरा है, वैश्विक परिस्थितियों के तुलना में भी देखें ये गोल्डन एरा है, ये हमारा स्वर्णिम कालखंड है। मेरे प्यारे देशवासियों, ये अवसर हमें जाने नहीं देना है, ये मौका हमें जाने नहीं देना चाहिए, और इसी मौके को पकड़ करके अपने सपने और संकल्पों को लेकर के चल पड़ेंगे तो हम देश की स्वर्णिम भारत की जो अपेक्षा और हमें विकसित भारत का 2047 का लक्ष्य हम पूरा करके रहेंगे। हम सदियों की बेड़ियों को तोड़ करके निकले हैं, आज टूरिज्म का क्षेत्र हो, एमएसएमई का क्षेत्र हो, एजुकेशन हो, हेल्थ सेक्टर हो, ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो, खेती और किसानी का सेक्टर हो, हर सेक्टर में एक नया आधुनिक सिस्टम बन रहा है। हम विश्व की बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी आगे देख रखते हुए हम हमारे देश की परिस्थितियों के अनुसार आगे बढ़ना चाहते हैं। हर सेक्टर में आधुनिकता की जरूरत है, नएपन की जरूरत है, टेक्नोलॉजी को जोड़ने की जरूरत है, और हर सेक्टर में हमारी नई नीतियों के कारण इन सारे क्षेत्रों में एक नया सपोर्ट मिल रहा है, नई ताकत मिल रही है। हमारे सारे अवरोध हटे, हमारी बंदी से दूर हो, हम पूरे सामर्थ्य के साथ चल पड़े, खिल उठे, सपनों को पा करके रहे, सिद्धि को हम अपने निकट देखें, हम आत्मसात करें, उस दिशा में हम चलना है।